2016-17 में सपा सरकार में बनी नगर पालिका की 6 दुकानों पर प्रशासन ने चलवाया बुलडोजर। नाले पर बनी थी दुकानें। समाजवादी सरकार आजम खान के नगर विकास मंत्री रहते 2016-17 में शाहबाद गेट पर 6 दुकानों का निर्माण कराकर नीलाम भी कर दिया गया था और मेडिकल स्टोर से लेकर अलग अलग व्यापार की दुकानें भी खोली गई थी। लेकिन नाले पर बनी होने के कारण और नालों की सफाई में आ रही अड़चन को लेकर आज 6 दुकानों पर बुलडोजर चलवा दिया गया। SDM प्रवीण कुमार, जिनके पास शहर नगर पालिका के EO न होने की वजह से नगर पालिका का चार्ज भी है, बताया कि नाले पर बनी ये 6 दुकानें इस वजह से इन्हें तोड़ा गया है। यहाँ जंक्शन पॉइंट है और बरसात की वजह से बारिश होने से यहाँ कूड़ा जमा हो जाता है और पानी जमा हो जाता है और गांधी समाधि, ऑफिसर कॉलोनी से लेकर काफ़ी क्षेत्र इसमें आते हैं और लोगों को काफ़ी दिक्कत होती है। इस वजह से ये अतिक्रमण हटाया जा रहा है। इन नाले पे कुछ दुकानें बनी हुई है, उन्हीं को हटाया जा रहा है। ये 6 दुकानें यहाँ नाले के ऊपर बनी हुई है, नगर पालिका की दुकानें हैं। मैं SDM सदर हूँ, यहाँ पे प्रवीण वर्मा हूँ। यहाँ पर नगर पालिका द्वारा कुछ दुकानें निर्मित हैं जो नाले के ऊपर हैं। तो आए दिन जब बारिश होती है तो जल भराव का संकट उत्पन्न होता है और ये एक जंक्शन पॉइंट है जहाँ पर काफ़ी सारा कूड़ा एकत्रित हो जाता है, जिसमें उसकी सफाई नहीं हो पाती तो जो कैचमेंट एरिया है नालों का, वहाँ पर जल भराव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और काफ़ी लोगों को असुविधा होती है। जैसे कि आपका ऑफिसर कॉलोनी है, गांधी समाधि के इधर का क्षेत्र है और भी कई सारे क्षेत्र हैं, तो उन सबके दृष्टिगत हम लोग यहाँ पे अतिक्रमण मुक्ति का कार्यक्रम।